What's up guys, welcome to my channel Samit P. तो guys, इससे पहले दिन हम हेडो जाते जाते लेट कर दिए, जूम में कुछ देख नहीं पाए, जो नेचर पार्क है वहां पे कुछ ठीक से देख नहीं पाए थे, आधा ही देख पाए थे, आपको बटरफ्लाई कंजर्वेटरी था वहां तक दिखा पाए थे, उसके बाद हम चले गए थे मैना पार्क। तो आज हम फिर से जा रहे हैं हेडो का जो नेचर पार्क है वहां पे जाकर आपको फिर से दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, जो मिस हो गया था उस सब आपको दिखाएंगे। तो चलिए फिर से ज्यादा बोर ना करते हुए चलते हैं जू में एंड नेचर पार्क में। तो चलिए चलते हैं। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से कितना प्यारा व्यू है और हमको अभी जाना है। आप सामने देख सकते हैं वहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ऊपर व्हाइट शेड है, वहाँ पे हमको जाना है यहाँ से और नीचे इतना सीढ़ी उतर के जाना है। अभी टेंशन नहीं है, उतर के तो चले जाएंगे, आते वक्त क्या होगा। तो आप लोग हमारे साथ चलिए, देखते रहिए और इन्जॉय करिए, व्यू का भी मज़ा लीजिए साथ साथ। और चिट्स एंड फंस, तो हम इतने सारे सीढ़ियाँ उतर के अपने मंजिल तक पहुँच गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हरियाली हरियाली, जो लोग ग्रीनरी पसंद करते हैं, वैराइटीज ऑफ प्लांट्स पसंद करते हैं, वो आके ज़रूर इन्जॉय करेंगे यहाँ पे। आप बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स वगैरह सब देख सकते हैं यहाँ पे, जो आपको नॉर्मली कहीं पर देखने नहीं मिलेगा। आप नॉर्मली कहीं पर जाएंगे आपको देखने नहीं मिलेगा इतने वैराइटीज़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कौन कौन आना चाहता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कैसा लग रहा है वो भी मुझे बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स रखे हुए हैं। अभी सबका अलग अलग से मैं नाम बताने जाऊंगा तो रात पार हो जाएगा, इससे 5-10 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप जब आएंगे आप खुद ही देख लेना, तो आपको मैं एक साथ दिखा दे रहा हूँ, आप थोड़े थोड़े देख लेना अच्छे से क्या क्या प्लांट्स है क्या क्या नहीं है। Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming. Sound machine always speaking. Left emotional scars. Now I'm 21. A soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know wrong. I'm doing things that I shouldn't do. I'm 21. I'm still a 15. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't do. I'm doing things that I shouldn't do. आपको छोटे से एरिया में वैरायटीज ऑफ प्लांट्स देखने मिल जाएगा। हमारा देख के ख़त्म हो गया है, तो इसलिए हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। एंडिंग में थोड़ा सा जो है वो दिखा रहे हैं आपको, आप देख लीजिए यहाँ पे एंडिंग में बहुत सारे और भी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स हैं। डिटेल में आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, आप जब आएंगे आप डिटेल में अच्छे से देख लेना नाम वगैरह जो भी है। वहां से हम बाहर आ गए, आते आप बाहर देख सकते हैं बहुत ही पुराने पुराने ट्रीज आपको देखने मिल जाएंगे। यहां से आपको सामने दूर में समंदर, पीछे माउंटेन दिख रहा होगा, कितना प्यारा व्यू है, ऑसम व्यू है।
और यहाँ हर तरफ हरियाली है, सामने समंदर, वहाँ पीछे माउंटेन और हरियाली, क्या चाहिए और आपको? यहाँ आप देख सकते हो, आपको छोटे छोटे तालाब दिख रहे हैं, यहाँ पे वाटर प्लांट्स वगैरह के ऐसा तालाब बना हुआ है, अंदर देख सकते हैं आप वाटर प्लांट्स भी है, आसपास भी है बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर प्लांट्स। तो बस आप देर मत करिए, आप आइए यहाँ के, देख के नेचर का मजा लीजिए। आप जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लग रहा है आपको, इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, कैसा लग रहा है आपको एरिया सब, जरा प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे। जिन्होंने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया प्लीज इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप ऐसे भी जाके सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम में जाके, आप समित पी मारिए, मेरा आ जाएगा अकाउंट, आप देख के समझ जाएंगे मेरे फोटोज वगैरह कि मैं ही हूँ। तो आप ऐसे भी जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर मत करिए, जाइए और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे पिक्स वगैरह आपको सब देखने मिलेंगे और भी आने वाले अपडेट्स वगैरह मैं वहाँ पे देता रहूँगा। अब देख सकते हैं यहाँ भी नीचे वैरायटीज ऑफ प्लांट्स वगैरह हैं, हमने सोचा नहीं था एक्चुअली एरिया इतना बड़ा होगा। एक्चुअली कमाल है आर्किटेक्ट का और इंजीनियर्स का जिन्होंने एरिया को ऐसा बना दिया है। पहले जब आते थे हम यहाँ पे तो ऐसा देख के लग नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है एरिया। गाइस हम एक्सप्लोर करते रहते हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे क्या है, हम घूम रहे हैं यहाँ वहाँ अंधाधुंध घूम रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे कौन सा क्या है। मैंने एक्चुअली मैप भी नहीं देखा, मैप देखने से शायद पता चल जाता था कि कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं है। चलिए फिर भी घूमते हैं। ये देखिए राजीव चुप रहे कैमरा से, नहीं देखिए। तो गाइस हम जो सीढ़ी से नीचे आए थे उसी से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आते टाइम तो उतना पता नहीं चला, जाते टाइम अब हालत खराब हो रहा, कोई हार्ट पेशेंट वगैरह है तो आप आते वक्त सोच समझ के नीचे आए क्योंकि ऊपर भी जाना पड़ेगा। गाइस यहाँ से सीढ़ी चढ़ते तो हालत खराब हो गया, ऐसा लग रहा स्वर्ग के द्वार में चढ़ रहे हैं हम, उतरते वक्त तो पता नहीं चला, चढ़ते वक्त भाई हालत खराब हो रहा है, सांस वास फूल गया। सीढ़ी चढ़ के ऊपर आते ही आपको सामने चिल्ड्रंस पार्क दिख जाएगा जहाँ पे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे चलते चलते जा रहे हैं ट्री टॉप कैफे, सामने से नज़ारा और भी बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे कैफे टाइप कुछ बना है, उसके अंदर से पेड़ निकला हुआ है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है, पेड़ को भी नहीं काटिए लेकिन उसके अगल बगल स्ट्रक्चर भी बना दीजिए, मॉडल डिज़ाइन घर वगैरह बना दीजिए। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे प्यारा सा एक्वेरियम है, अब मैं घूम घूम के आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर छोटे छोटे फिश वगैरह है, आप देख सकते हैं, वो देखिए फिश वगैरह घूम रहे हैं अंदर,
आपको चारों तरफ मैं घूम के दिखा रहा हूँ एक्वेरियम को, और स्क्वायर शेप में है चारों साइड इसके, मतलब एक्वेरियम जैसा बना है, तब देख सकते कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस उसके बाद हम आ गए घर, वीडियो वही तक था और अभी हम घर आ गए हैं। एक्चुअली आज भी हम फिर से लेट गए थे, हम भी वहां से निकलते थे फिर से 5 बज गया था, फिर वहां से सिक्योरिटी गार्ड से बोले 5 बज गया भाई, उसके बाद ही हम निकले। फिर भी आज मिस नहीं हुआ, आज हर जगह घूमे हम, तो आप सबको मजा आया, आप सब इंजॉय किए, तो प्लीज लाइक वाला बटन दबा दीजिए, नीचे कमेंट में आके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, वो मतलब देखना चाहते हैं आप, एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनको शेयर कर दीजिए। जिन्होंने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया जाके प्लीज इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, वहां मैं अपने पिक्स वगैरह अपडेट्स वगैरह देता रहूंगा, कहाँ जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ और लेटेस्ट पिक्स वगैरह सब अपलोड करता रहूंगा, तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन सब मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज अब सबसे अलविदा लूंगा, टेक केयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड लव। और हाँ भाई, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वो दबाना मत भूलिएगा प्लीज, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आज अलविदा लूंगा, टेक केयर, सी या ऑल।